नमस्ते दोस्तों, कमलेश इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक दोस्तों आपको बताएंगे फॉल्स सीलिंग पे हमारा फैन फास्टनर किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले वीडियो में देखे होंगे हम लोग जो फास्टनर लगाए थे वहाँ पर फॉल्स सीलिंग पे नहीं था, खाली अपने को सीलिंग पे बीम पे लगाए थे। ठीक है, तो एक भाई ने कॉमेंट किया था अपने को, तो जो है सर फॉल्स सीलिंग पे किस तरीके फास्टनर जो है किस तरीके से लगाया जाता है इसके बारे में बनाइए। तो आपको लिए लेके आए हम लोग फॉल्स सीलिंग पे फास्टनर किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है। और दोस्तों फास्टनर जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो है ये हमारा 10 mm का फास्टनर रहेगा और 16 mm का बीट रहेगा। चलो दोस्तों आपको लेके चलते हैं हमारे फॉल्स सीलिंग पे। तो आइए दोस्तों आपको पूरा डिटेल बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा फास्टनर है 10 mm का। ठीक है, ये 10 mm का फास्टनर, ये हमारा बीट और ये जितना भी मटेरियल है ये सब फॉल्स सीलिंग पे यूज होने वाला है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, POP फॉल्स सीलिंग होता है यहाँ पर, तो पहले फॉल्स सीलिंग होने के बाद हम लोग सेंटर निकालते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर फैन का कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटर हम लोग पहले करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा डिजाइन में। तो आपको बताते हैं ये हैमर ड्रिल है हमारा, तो हैमर ड्रिल में यहाँ पर टेप लगा के रखें ताकि अपने को 6 से ज़्यादा होल नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग जितना ही फास्टनर रहेगा उस हिसाब से अपने को टेप लगा लें। तो देखिए ये फास्टनर है हमारा 10 mm का। ठीक है, तो ये 10 mm का फास्टनर है, यहाँ पर मार्क रहता है 10 mm, और हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे हम लोग 12 mm का। तो देखिए इस तरीके से इसको नापना है और उसको सेंटर से हम लोग टेप लगाएं उसी एंगल पे हम तुमको होल करना है, नहीं इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारा छत से बाहर चलेगा। ये देख सकते हो फैन डाउन रोड है। और उसके बाद देखिए ये हमारा एक हथौड़ी चाहिए अपने को इसको फास्टनर को लगाने के लिए, इतना सारा मटेरियल चाहिए। और आपको सबसे टॉपिक वाला आपको बता देते हैं, यहाँ पर अपने को एरर लाइट डालना है दोस्तों। बहुत सारा जगह को फेलवर हो जाता है हमारा फैन फास्टनर, जैसे कुछ झटका होगा तो पंखे का जो है फास्टनर बाहर आ जाता है। तो ये एरर लाइट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाम हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हो हमारा ड्रिल मशीन चालू हो गया, हमारा हैमर ड्रिल, और आपको पूरा सेंटर में लेके इस तरीके से इसको कटिंग करना है फॉल्स सीलिंग को, उसके बाद हैमर ड्रिल से चलाना है। ठीक है, ये होने के बाद देखिए होल हो गया हमारा जितना भी करना था अपने को। और उसके बाद देखते हैं आपको यहाँ पर होल हुआ नहीं फॉल्स सीलिंग पे, ये देख सकते हो यहाँ पर फॉल्स सीलिंग पे होल हो चुका। ठीक है, तो अपने को देखिए इसको जो हम लोग नापना है तो हमारा होल कितना हुआ, तो कैसे करेंगे, एक पेचकस लेना है। ठीक है, आपको बताते हैं यहाँ पर एक पेचकस लेना है और उसके अंदर डालना है कितना होल हुआ, और कुछ भी छड़ा आ गया तो यहाँ पर तो पता चल जाएगा। तो आपको बताते हैं यहाँ पर होल नापने के बाद जो है हमारा एक रोड ये पिन लेते हैं हमारा फास्टनर, फास्टनर को यहाँ पर हम लोग नाप लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 100% होल है, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम भी नहीं। और उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर एरर लाइट लगाना। ठीक है, एरर लाइट दोस्तों यहाँ पर बोन टाई नहीं, एरर लाइट के ऊपर पूरा लगाना है इसमें। और आपको बताते हैं एरर लाइट लगाने के बाद देखिए इस तरीके से एरर लाइट लगाना ताकि पूरा बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करे। ये जो है एरर लाइट लगने के बाद कुछ देर अभी सूखेगा नहीं, अभी हम लोग तो इसको जाम कर देंगे। एरर लाइट अच्छे तरीके से यहाँ पर लॉक में लगा लेते हैं, लगाने के बाद क्या होगा यहाँ पर हम लोग इसको ठोंक देंगे यहाँ पर। तो आपको बता देता हूँ हमारा फैन रोड है, फैन रोड हैवी रहेगा तब ऐसा ठोकना, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसको डालने के बाद ऐसा ठोकना पड़ेगा और हल्का सा ढीला कर लिया हम लोग नट को, उसके बाद आसानी से हमारा जो है इसी एंगल पे ठोकना है, उसके बाद आसानी से हमारा जो फैन फास्टनर फिटिंग हो जाएगा। तो अपने को हेवी वाला पाइप चाहिए तो उसी हिसाब से अभी को लॉक करना देखिए। और उसके बाद देखिए हमारे पास फैन रोड है, तो फैन रोड को अंदर डालना है और उसको पूरा अच्छे तरीके से टाइट करना है। ठीक है, दोनों हाथ से, एक हाथ से अभी कर रहे हैं हम लोग तो इसके बाद एक एक हाथ से यहाँ पर जगह नहीं बना, दोनों हाथ से अभी फुल टाइट करना है। ठीक है, तो आपको देख सकते हो यहाँ पर जो है ये जो दोनों हाथ से टाइट करना ताकि नट बिल्कुल यहाँ पर ढीला नहीं रहना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर फैन फास्टनर कितना डेंजर रहता है, किसी के ऊपर गिर भी सकता है, तो इसी एलआर लाइट और ये सब कुछ किया जाता है। आपको पूरा टेस्टिंग करके देखेंगे 100%। और आपको पिछले वीडियो में भी दिखाए थे यहाँ पर हम लोग वेट डाल के देखे थे, ये जो हमारा POP वाले बंदा है ये पूरा देखिए यहाँ पर जितना भी वेट है इसका उतना वेट आपको समझ आ जा रहा होगा। यहाँ पर फैन का रोड पे उसी पे एंगल पे अभी हम लोग हुक पे जो लगाए हमारा फास्टनर उसी पे लोड डाल के अभी देखें और ये 100% निकला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताते थे। और उसके बाद वायर किस तरीके से यहाँ पर पॉइंट निकालना है, तो आपको बताए यहाँ पर पॉइंट है हमारा, तो दो वायर निकाल लेते हैं उसको, जो हमारा येल्लो कलर का वायर है। येल्लो कलर का वायर निकालने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट है
तो इसको बीचों बीच डालना है, ठीक है। येल्लो नहीं होता हमारा, देखते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा, इसको बीचों बीच हम लोग डालेंगे। तो येल्लो कलर का वायर को बीच से सेंटर से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर होल भी रहता है छोटा सा, बहुत सारा फैन रोड पे होल नहीं रहता तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये देख सकते हो ये क्लेम है, और ये क्लेम का अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो आपको पंखा जो है आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए क्लेम लगाने के बाद जो है इसको अच्छे से पाना से टाइट करना है, और लॉक दोनों लगाना है, ठीक है। लॉक लगाने के बाद देखिए यहाँ पर इसको हिला के अभी देखना है, ठीक है, हल्का सा पाइप को घुमा के, नहीं तो फैन जो हमारा चलता है झटका देता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो देख सकते हो यहाँ भी फैन हमारा कंप्लीट हो गया, और दूसरा फैन भी फास्टनर लग के इसको फिटिंग होगा, ठीक है, सेंटर निकालने तो वहाँ पर भी सेंटर। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा फिनिशिंग करने के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है हमारा सीलिंग। तो यहाँ पर पूरा कलर पुट्टी होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर किस तरीके से कटिंग किए हैं और किस तरीके से फिटिंग किए हैं। देखिए यहाँ पर पूरा हम लोग एक बाय एक का कटिंग करके यहाँ पर पूरा फिनिशिंग करके पैक कर दिए। और देख सकते हो यहाँ पर दूसरा वाला भी हम लोग आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि हम दूसरी जगह काम कर रहे थे, तो दूसरा वाला भी हमारा फिटिंग हो गया। तो आप दोस्तों वीडियो कैसा था दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू दोस्तों।